सरफराज जैसे शायद भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा मैच होता है, फैन पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं, बात है कि दूसरी इनिंग्स के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चांसेस आने के, अगर आते हैं तो पाकिस्तानी टीम उनके लिए क्या मोटिवेशन होगी? देखिए मोटिवेशन तो मैं समझता हूँ कि इमरान भाई की जितनी फैन फॉलोइंग है वो तो शायद इंडिया पाकिस्तान में दोनों है, और अगर वो अगर ग्राउंड में आते हैं तो ऑब्वियसली फैंस के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी टीम के लिए ऑब्वियसली मोटिवेशन होगी। एक तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो आए, फिर जब भी हमेशा वो ग्राउंड में आते हैं तो उनके आने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है पाकिस्तान टीम को। सर बैक टू बैक मैच खेलने पर इंडिया का मैच भी तो लेट मिला है ना बाकी टीमों से, तो बात यह है कि देखें वो डिसएडवांटेज जो है वो एज अ टीम उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो पिछली सीरीज जो है वो अच्छी खेलते हुए नहीं आए, टेस्ट मैचेस की बात करते हैं एज अ टीम डेफिनेटली उन पर प्रेशर होगा, लेकिन अगर वो लोग इस इवेंट की बात करते हैं कि नया इवेंट है नया एटमॉस्फेयर है तो अभी एज अ टीम उनके ऊपर ये चीज़ प्रेशर होगी कि उनके पास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, देखें अगर आप फ़खर जमान की परफॉर्मेंस देखें सिंस लास्ट ईयर से तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और डे बाई डे जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और वही एक सक्सेस का राज है हमारी ODIs और T20 की परफॉर्मेंस का कि फ़खर जमान ने हमेशा से ऊपर से आके पाकिस्तान टीम को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो हम सबको पूरी उम्मीद है माशाल्लाह जिस तरीके से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो जुनून होता है फैंस का, क्या वो दोनों टीमों के प्लेयर्स को एक जैसे इंस्पायर करता है बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि ये जुनून तो बाकी मैचेस में नहीं देखने को मिलता? जी देखें बिल्कुल, आपने बिल्कुल जुनून की बात की, तो यही होता है कि जब आप अपने घर में होते हैं या जब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलने जा रहे होते हैं सबकी ख्वाहिश यही होती है कि यार इंडिया के खिलाफ मैच जीतना है, लेकिन एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन अगर हम ये देखें तो हमने हर टीम के खिलाफ मैच जीतना, लेकिन वो इंस्पायर करने वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जो एक वेल विशेज मिलती हैं यार कुछ भी हो जाए इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करनी है, मेरे ख्याल से सेम ऐसे ही इंडियन प्लेयर के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि यार आपने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, तो वो जाहिर सी बात है वो जुनून जो है वो एक वो होप मिलती है यार इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करना, और प्रीवियस पास में ऐसा होता रहेगा जिस प्लेयर्स ने भी चाहे वो इंडिया का हो पाकिस्तान का हो उसने अगर परफॉर्मेंस किए इन मैचेस में तो वो हीरो बनता है अपनी कौम की नज़र में। सरफराज पिछले एक डेढ़ महीने से काफी डिस्कस हो रहा पाकिस्तान इंडिया मैच, मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट की, तो ये हाइप प्लेयर्स में भी होती है, टेंशन होती है या देखें बिल्कुल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप एक प्लेयर की बात करेंगे तो एज अ प्लेयर हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच नॉर्मली ही लेते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है जो एक हाइप क्रिएट होती है हर जगह टीवी चैनल पर, जैसा कि आपने देखा कि टकराव शुरू हो गए हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं, तो वो जो हाइप जो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है, लेकिन प्लेयर्स को यही कहा कि जो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है आप कोशिश करेंगे जैसे हर मैच खेलते हैं वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच को भी खेलें।